टू माई YouTube चैनल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने पोनी पहले से बनाई और मैं आज क्या बताने वाली हूँ आप लोगों को। आज जो है मैं आप लोगों को डोनट सेटिंग बताऊंगी, जो कि बहुत इजी है, और किस तरीके से आप डोनट को सेट कर सकते हैं वो मैं आप लोग के साथ सेटिंग शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास ये मीडियम साइज़ का डोनट है जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको सेट करना है। अब मैंने जो है पोनी जो बनाई हुई थी मैं उसके अंदर से इसको फिक्स करूँगी इस तरीके से, ठीक है। ये देखें आप, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से हेयर्स को यहाँ से लेके आना है। बहुत इजी है, लोग बहुत परेशान होते हैं कि डोनट फिनिशिंग से सेट नहीं होता, तो आपने इस तरीके से इसको फिक्स करना है, देन आपने इसको इस तरीके से लेके आना है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग कितनी फिनिशिंग के साथ आया है, और आपने इसको इस तरीके से फिनिशिंग के साथ सेट करना है, और इसमें आपने रबर बैंड की हेल्प से इसको फिक्स कर देना है, ठीक है। ये देखें आप लुक, इसका लुक कितना अच्छा फिक्स हुआ है ये। अब हमारे पास जो ये वाले हेयर्स हैं, हमने इसको क्या करना है, थ्री सेक्शंस करने हैं, ठीक है। और थ्री सेक्शंस में हमने इसमें सिंपल चोटी बनानी है, ठीक है, इस तरीके से। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा आप इसको फिनिशिंग के साथ बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें, आपने सिंपल ब्रेड बनानी है। हाँ, मैंने ब्रेड बना ली। अब हमने इसको किस तरीके से एडजस्ट करना है, इसको हमने इस तरीके से इसके अराउंड एडजस्ट करना है, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं, इसको आप टाइटली इसको फिक्स करें अच्छे से, ठीक है। आपने इसको फिक्स करना है अच्छे से, जुड़ा पिन को मोस्टली क्या करते हैं लोग, ऐसी करके ऐसी बस लगा देते हैं। आपने ऐसे नहीं लगाना, आपने इसको अच्छे से टाइट रखना है, ठीक है, हेड को, और आपने इसको इस तरीके से पोजीशन में रखना है, और इस तरीके से आपने फिक्स करना है, ठीक है। फोर साइड्स आप इसको एडजस्ट करेंगे ताकि हमारी हर जगह से जो है डोनट सेटिंग अच्छी हो जाए, ठीक है। आपने इसको इस तरीके से फोर साइड्स आपने एडजस्ट करनी है, इससे क्या होगा, ये हमारी फोर साइड्स ही बैलेंस हो गई है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसकी सेटिंग, फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़्यादा है, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारी जो है साइड्स कितनी ज़्यादा फिनिशिंग से हमने इसको कवर किया है, कहीं से भी आपको ब्रेड नहीं दिख रही होगी, और कितना फिनिशिंग से हमारा डोनट सेट हुआ है, ठीक है। मेरे पास ये छोटा सा फ्लावर है जिसको मैं सेंटर में एडजस्ट कर दूंगी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सेंटर में एडजस्ट कर दें। अगर आपके पास गजरे हों, मोती के फूल हों, या लड़ियाँ, कुछ भी आपके पास फ्लावर्स हों, आप उसको साइड में भी एडजस्ट कर सकती हैं, उससे भी बहुत अच्छा लुक आएगा, ठीक है। आपको मेरा आज का हेयर स्टाइल कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह न्यू लुक के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।